वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नई मूवी, एक नए कंटेंट के बारे में। अब आप लोग को बता दूं कि अरहान एंटरटेनमेंट में कंटेंट की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ आप लोगों के प्यार की। आप लोग हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार करते रहिए और बस दुआ कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि हमारा चैनल इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ग्रो करे। खैर, आपको ये फिल्म कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हम इस फिल्म की कहानी से। तो इस फिल्म की कहानी शुरू थी हांगकांग से 2014 में, जहां पर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को कंटेनर में डाल के साउथ कोरिया के एक शहर बुंडांग लेके जाते हैं। लेकिन उस कंटेनर में एक शख्स होता है जिसको इस तरीके का डेडली वायरस हुआ होता है। तो वो वायरस किस तरह से वो पूरे कंटेनर में फैलता है और उस कंटेनर से बुंडांग शहर तक कैसे पहुंचता है, वहां के लोगों तक कैसे पहुंचता है, पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। लेकिन सिर्फ ये चीज अगर आप सोच रहे हो कि भाई एक वायरस के ऊपर कहानी की, वायरस किस तरह से फैल रहा है, कैसे लोग मर रहे, तो आप लोग गलत हो। ये कहानी उससे भी ज्यादा आगे है। यानी यहाँ पर आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक बेटी और एक माँ की, दो दोस्तों की, या तो आप कह सकते हो पूरी की पूरी फैमिली की। यानी कि अपनों को खोने का क्या डर होता है अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये इस तरीके का एक डेडली वायरस हुआ और आप कुछ ही घंटों में मरने वालों, तो आप लोग क्या महसूस करोगे, आपकी फैमिली वाले क्या महसूस करेंगे, या आपको जो लोग चाहते वो लोग क्या महसूस करेंगे, ये सब कुछ आप इस फिल्म में देखोगे तो आप लोग को फील होगा। और ये फिल्म आपको एक वक्त में डराती भी है, लेकिन एक वक्त में आपको इतना ज्यादा इमोशनल करती है कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इस मूवी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो थी एक बच्ची, यानी कि जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया मीर का, उस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया कि एक मोमेंट ऐसा आ गया था फिल्म में जो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जो मतलब मैं काफी इमोशनली इस फिल्म से जुड़ गया था स्टार्ट से, स्पेशली उस बच्ची के किरदार से। खैर, ये फिल्म में आपको बहुत कुछ देखने मिलता है और इस फिल्म को डायरेक्टर सर ने बहुत ही बड़े स्केल में शूट किया, हर एक सीन को बहुत ही बारीकी से शूट किया। हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ कि इस फिल्म में काफी लूप्स होल भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं गौर करोगे, अगर आप एक फिल्म देखोगे जहां पर आपको एक अच्छा खासा एंटरटेनमेंट का डोज चाहिए, तो आप ये फिल्म को देख सकते हो। ये फिल्म देखकर आपको डर महसूस होगा ये तो डेफिनेटली, क्योंकि अब जो सिचुएशन हो रही है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर, तो वो सिचुएशन काफी डर का माहौल तो क्रिएट कर दिए, लेकिन अगर आप सेफ्टी मेजर्स लोगे, अगर आप भीड़ भाड़ में नहीं जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। खैर, सबसे बड़े अल्लाह है, सब उनके हाथ में, अगर वो चाहे तो एक पत्ता भी नहीं सकता। खैर, इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म आपको थ्रू आउट डे बहुत अच्छी लगेगी। परफॉर्मेंस वाइज सभी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म में यूज किए गए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार, हर एक सीन अगर आप फिल्म के देखोगे तो काफी रियल लगते हैं। और आज जब सिचुएशन ये सब चीजें देखते हैं जो हमारे हम न्यूज चैनल पे देखते हैं, तो बिल्कुल इस फिल्म से मैच करते हैं। मैं तो इतना बोलूंगा कि चाहे वो कंटेजियन हो 2011 की, या 1995 में आई फिल्म आउटब्रेक हो, या ये फिल्म 2013 में आई, हर एक फिल्म में एक अलग ही एहसास हमें देखने को मिलता है और अलग डर महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एक इमोशनली कनेक्शन देखने को मिला वो बहुत अलग ही था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये मूवी आपको देखना तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, और जहां पर आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो और शायद आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये फिल्म को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास देखिए, डरना मत। अगर आप लोग सेफ रहोगे तो सब कुछ सेफ है। अगर आप लोग ज्यादा शरणपति करोगे, बस नहीं हमको कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी चीजें बोलकर नहीं आती, कभी भी मुसीबत आ सकती है। तो अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूँ राशि शेख और आप सब हैं अरहान एंटरटेनमेंट। टिल देन।